संजय सॉय साहब, ये बताइए कि आतंक के, दहशतगर्दी के साथ खड़े होने की फितरत जो पाकिस्तान की है, वो अब किसी से छुपी तो है नहीं। अब सवाल यहां पर अहम ये खड़ा हो जाता है कि क्या अमेरिका को तालिबान को लेकर अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसे लेकर और ज्यादा सख्त होने की जरूरत है क्या? नहीं, बिल्कुल। ये जो आज जो माहौल तालिबान ने अफगानिस्तान में किया हुआ है, जिस प्रकार से वहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पल रहे हैं, पनप रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जैसा कि आज भी स्टेटमेंट आया था कि अलकायदा भी दोबारा से रीग्रुप हो सकता है, आईएसआईएस के रीग्रुप हो सकता है, हक्कानी ग्रुप वहाँ पर प्रमुख जमा रहा है, ये सब आतंकवादी और इन सब के तारीफ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। और ये खतरा आज जिस प्रकार से टेररिस्ट वहाँ से जब वेस्टर्न पावर निकल चुकी हैं, वहां पर एक खुला हाथ मिल गया है, उनको एक ओपन ग्राउंड मिल गया है जहां पर वो ट्रेनिंग कर सकते हैं, उनको पाकिस्तान सहूलियत दे रहा है, पाकिस्तान ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा और पूरी दुनिया में एक तरह से आतंकवाद जहर की तरह फैलेगा। ये खतरा जो है पूरा अमेरिका, यूरोप, इसीलिए वो नजर रखे हुए हैं और बहुत ज्यादा सख्ती की जरूरत है। मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से इन सबके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले सख्ती पाकिस्तान पे करेंगे तो अफगानिस्तान में अपने आप सख्ती नजर नहीं आ रही ना शीलकांत शर्मा साहब, वो सख्ती जिसकी जरूरत है वो नजर आ रही है क्या? मैस क्रिएट किया हुआ तो अमेरिका का ही है, लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिका ने अब पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है। अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी को नजर नहीं आ रहा। यहाँ सख्ती नजर नहीं आ रही, और वो सख्ती नजर भी आएगी तो मुझे ऑप्टिक्स लगेगी, वो दिखाने भर की होगी। उनके खाने के दांत दूसरे हैं, दिखाने के दूसरे हैं साहब। वो आप उनसे सब सुनते जाइए, वो पाकिस्तान के बारे में कहते रहेंगे लेकिन बाद में फिर उन्हीं के साथ जाएंगे ये लोग। और ये आज 30 साल से हो रहा है, 1990 में इन्होंने अमेरिका ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के खिलाफ, उन्होंने जो इनके जो वेपन्स देते हैं उनको रोक दिया था प्रेसलर अमेंडमेंट के थ्रू। शर्मा जी, हालात तो ये हैं कि बाकायदा तालिबान अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर ये कह रहा है कि भाई तुमने दोहा में बैठकर हमारे साथ अग्रीमेंट किया, हमारे जो आतंकी हैं उनको कब डिलिस्ट करोगे, कब उनके ऊपर से बाउंटीज हटाई जाएंगी, यहां तक बात हो रही है। बहरहाल इस वक्त ध्यान से पढ़िए, उस पे अमेरिका ने बहुत कंसीड कर दिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।